खनन माफिया इतने दबंग हो गए हैं कि सीएम के गृह क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। लगातार अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीएम के गृह क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ छापेमार कार्रवाई करते हुए 7 ट्रैक्टर ट्रॉली तथा 2 मड लोडर को पकड़कर सीज कर दिया गया है। खटीमा विकास खंड के बिचई गांव में बाईपास के पास उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिस्ट और नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवाड़ के नेतृत्व में तहसील प्रशासन ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 7 ट्रैक्टर ट्रॉली तथा 2 मड लोडर को पकड़कर सीज कर दिया गया। खटीमा क्षेत्र में दिन दहाड़े अवैध मिट्टी खनन काफी दिनों से चल रहा है। प्रशासन के लगातार कार्रवाई करने के बावजूद खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि बेखौफ लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल कार्यवाही के दौरान अवैध खनन में लिप्त मौके पर पाई गई 7 ट्रैक्टर ट्रॉली तथा 2 मड लोडर को पकड़कर सीज कर दिया गया, जिनके खिलाफ जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर बिचई गांव में बाईपास के पास पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की गई। इनमें लिप्त सभी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खेत मालिक जो अपने खेतों में खनन करवा रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और आगे भी अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज सूचना मिली थी कि बिचई में बाईपास के पास अवैध खनन चल रहा है, तो उसी की जाँच के लिए हम वहाँ पर पहुँचे थे साथ में नायब तहसीलदार साहब के, और हमने देखा वहाँ पर अवैध खनन चल रहा, तो हमने जो वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनको सीज के, तो कुल मिलाकर हमने 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और 2 मडलडर सीज कर दिए हैं। खेत की नपाई भी हमने कर दी है और जो खेत मालिक है उसके खिलाफ भी जुर्माना कार्रवाई की है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।